जी हाँ, कमरा नंबर 203 का कोड डीकोड हुआ है और जी न्यूज की टीम प्रयागराज के उस होटल में पहुंची जहां अतीक और अशरफ पर हमला करने वाले तीनों शूटर्स रुके थे। हमारे संवाददाता राजू राज ने होटल मैनेजर से बातचीत की और ये जानने की कोशिश की कि आखिर हत्या के पहले तीनों शूटर्स की हरकतें कैसी थी। जैसे जैसे एसआईटी की जांच आगे बढ़ रहे हैं, तमाम नए खुलासे सामने आ रहे हैं। एसआईटी की पूछताछ में तीनों आरोपियों ने बताया कि 13 तारीख को वे प्रयागराज के स्टे इन होटल के कमरा नंबर 203 में रुके थे। 13 तारीख को ही लगभग 8:30 बजे तीनों आरोपी यहां पर आए थे और इसी कमरे से उन्हें 2 मोबाइल फोन बरामद मिला। यानी हत्याकांड को अंजाम देने से पहले उन्होंने अपने मोबाइल से सिम निकाल लिया था और मोबाइल को यहीं पर छुपा दिया था। उन तीनों ने पूछताछ के बाद उनकी निशानदेही पर पुलिस यहां पर पहुंची और यहां से ही वो दोनों मोबाइल बरामद किए हैं। अब उस मोबाइल का जो डेटा रिट्रीट करने की कोशिश कर रही है कि हत्या करने से पहले इन तीनों ने किन किन लोगों से बात की, कौन कौन से ऐसे लोग थे जो तीनों आरोपी सनी और लवलेश और अरुण मौर्य को तमाम जानकारियां दी थी। अब ये मोबाइल फोन इस हत्याकांड के तमाम राज खोलेंगे। अब प्रयागराज का ये होटल भी सवालों के घेरे में है क्योंकि तीनों आरोपी पिस्टल लेके अपने बैग में यहां पर पहुंचते हैं और पूरी प्लानिंग रचते हैं, लेकिन यहां पर आई कार्ड और आधार कार्ड तो लिया जाता है उनको रुकने के लिए, लेकिन कहीं ना कहीं कोई मेटल डिटेक्टर या सुरक्षा के ऐसे कोई भी उपाय नहीं किए गए जिससे ये पता चल सके अगर कोई शख्स आता है उसके पास हथियार है या नहीं। इसलिए प्रयागराज पुलिस यहां से DVR भी ले गई है और तमाम होटल एसोसिएशन है उन्हें इंस्ट्रक्शन भी दिया है कि सुरक्षा के पूरे और पुख्ते इंतजाम क्यों, क्योंकि मेटल डिटेक्टर होना बेहद ही जरूरी है और इसी कमरा नंबर 203 में वो लोग यहां पर रुके और हत्या की साजिश की प्लानिंग की। मैं बात करना चाहूंगा यहां के जो होटल मैनेजर है, आप बताइए कि अगर तीनों आरोपी आए थे आपको किसी तरह का शक हुआ था? नहीं, मुझे कोई शक नहीं हुआ था। ये कब आए थे, कितने बजे आए थे और इनके पास क्या क्या था? सर, जो भी गेस्ट आते हैं हम नॉर्मल उनकी आईडी लेते हैं, जितने भी गेस्ट होते हैं सबकी आईडी लेते हैं, रजिस्टर पे एंट्री करवाते हैं, रजिस्टर पे सबकी टाइमिंग एड्रेस सब कुछ होता है, ठीक है, उसके बाद हम गेस्ट को एंट्री करके देते हैं। जब वो यहाँ पर आए थे आपके यहाँ रुक गए तो क्या किसी चीज़ का पानी या फिर तमाम अदर चीज़ का जो डिमांड वगैरह कॉल वगैरह किया था? जाहिर सी बात है कोई भी कस्टमर्स रुकेगा उसको पानी सर्व होता है, जो खाने पीने की अगर कोई चीज़ें चाहिए उसको ऑर्डर करता है, ठीक है सर, वो रुकता है। तो आपने वहाँ पर देखा कि क्या कोई अलग गतिविधियाँ जो लगे कि भाई ये सस्पेक्ट है? सर, अगर कोई गतिविधि हमको नज़र में आती है किसी भी कस्टमर्स की तो हम उसको डायरेक्ट पुलिस को प्रशासन को देते हैं। कुछ भी हमको ऐसा कुछ भी किसी भी कस्टमर्स के बारे में संदिग्ध गतिविधि नज़र नहीं आई है। चेक इन जब होता है उसके बाद चेकआउट होता है, जब भी कोई जाता है तो क्या चेकआउट किया था या ऐसे ही भाग गए थे? बता तो रहे हैं कोई भी कस्टमर्स होता है उसकी प्रॉपर हम लोग सिग्नेचर करवाते हैं, रजिस्टर्स पे सब कुछ करवाते हैं, तो जो भी जानकारी है सब कुछ आप पुलिस प्रशासन से, जो कि रजिस्टर उनके पास है, आईडी उनके पास है, सब कुछ उन्हीं के पास, DVR उनके पास है, तो आपको क्लियर जानकारी वही दे पाएंगे कि जो कि सारी जो नहीं चेकआउट की जानकारी तो आपके पास होगा। बता तो रहे हैं सर, रजिस्टर पर सब कुछ मेंशन होता है, सारी रजिस्टर्स वगैरह सब पुलिस प्रशासन के पास है। पंद्रह अप्रैल को प्रयागराज में जिस अतीक और उसके भाई अशरफ की हत्या हुई उस माफिया ब्रदर्स की हत्या के लिए 3 नहीं बल्कि 5-5 शूटर्स मौजूद थे। सूत्रों के हवाले से ये बड़ी खबर आ रही है कि 2 शूटर बैकअप के तौर पर इस्तेमाल किए जाने थे, बैकअप टीम के रूप में मौजूद थे। पहली स्ट्राइक टीम में 3 शूटर शामिल थे, पहली टीम कामयाब हो गई इसलिए दूसरी टीम का इस्तेमाल नहीं किया गया और दूसरी टीम गायब हो गई। लेकिन अगर पहली टीम कहीं चूक जाती तो दूसरी टीम हमला करने के लिए तैयार थी। खास बात यह है कि पकड़े गए 3 आरोपियों के पास मोबाइल फोन नहीं मिले थे। तो फुल प्रूफ प्लान के साथ ये पूरा का पूरा आप देखिए, मर्डर जो है वो किया गया अतीक और अशरफ का, 2 टीमें बनाई गई, पहली टीम में 3 लोग थे,